आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। 31 जुलाई 2020 को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की। यह चयन समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो चयन समिति गठित की गई है मुकुंद शर्मा की अध्यक्षता में। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह चयन समिति उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, नाम चाहे मुकुंद शर्मा हो या मुकुंदकम शर्मा हो, तो दोनों नाम जो है चलेगा। और देखिए, समिति की एक अच्छी बात ये है ना कि इसमें जो जो सदस्य चुने गए हैं वो खेल जगत से सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता रहा हो या चाहे स्पेशल खेल रहा हो। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो भी लोग समिति में शामिल हैं उनका नाम मैं लूँगा, वो इसलिए क्योंकि नाम जो है वो कई बार एग्जाम्स में मिलान करने के लिए आ जाता है या पूछ लिया जाता है कि ये फला व्यक्ति जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कुछ नाम तो चर्चित हैं, इनको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जैसे वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से संबंधित हैं तो मान लीजिए इनको नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में सरदार सिंह हैं जो कि हॉकी से संबंधित हैं, मोनालिसा बरुआ मेहता टेबल टेनिस से संबंधित हैं, दीपा मलिक जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं। देखिए दीपा मलिक पे तो न जाने कितनी बार सवाल आया है, PCS 2018 में 2019 में आ चुका है सवाल। वेंकटेशन देवराजन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, मनीष वटाविया जो कि खेल कमेंटेटर हैं, आलोक सिन्हा जो कि खेल पत्रकार हैं, नीरू भाटिया इसमें शामिल हैं। तो देखिए समिति में जो है बाकी तो शामिल हैं और लोग, लेकिन जो है मैंने इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। एक बात और है कि समिति जो है, जो आप सुनते हैं आए दिन न्यूज़पेपर में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया या राजीव गांधी खेल रत्न किसे प्रदान किया गया, तो इस प्रकार के जो विजेता होंगे उनके नामों का चयन करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक बात ये भी है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस जो है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिवस कहें या राष्ट्रीय खेल दिवस कहें, जो भी कहें, वो जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है कमेंट करके आप बता सकते हैं, किसकी याद में मनाया जाता है बताइएगा ज़रूर। और अगला सवाल देखते हैं कि 20 अगस्त 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर बताना है कि ये कथन सही हैं कि नहीं सही हैं। प्रश्न में एक बार और ध्यान देने वाली बात है कि ये 5वां संस्करण है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। आइए इससे जुड़ा हुआ तथ्य देखते हैं। पहला है कि इंदौर ने लगातार 4थी बार सबसे साफ सुथरा शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इसमें वाराणसी गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए सवाल तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ से सवाल बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही पूछा लिया जाए कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में वाराणसी के किनारे बसे निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, तो आप समझ जाइएगा इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला है कि झारखंड को 100 से कम ULB श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा भी सही है जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ को, राज्य का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर झारखंड कहा जा रहा है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ को 100 ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है। तो चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं। अब यहाँ जो मैंने ऊपर बताया कि इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है लगातार 4थी बार, तो उसमें दूसरे स्थान पे जो है वो सूरत है और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है, चौथे स्थान पे विजयवाड़ा है, पांचवें स्थान पे गुजरात का जो है वो अहमदाबाद है। तो ये पांच नाम भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात है कि पटना जो है इस पायदान में सबसे निचले स्थान पर शामिल है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में 20 स्तर पर जो अखिल भारतीय स्तर पर अगर देखें जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी हुआ है उसमें देखें तो अंडर 20 शहरों में जो है वो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के 3 स्थान शामिल हैं, जिसमें से लखनऊ 12वें स्थान पे, बहुत महत्वपूर्ण है पूछा जरूर जा सकता है, गाजियाबाद 19वें स्थान पे और प्रयागराज 20वें स्थान पे शामिल है। उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 10 लाख की तक की आबादी के मामले में जो सबसे स्वच्छ शहर रहे हैं वो 5 कौन कौन से रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का स्थान पहला है, उसके बाद में कर्नाटक के मैसूर का पहला स्थान है, दूसरा है नई दिल्ली जो है DMC इसका तीसरा स्थान है, और महाराष्ट्र का चंद्रपुर है चौथा स्थान है, और मध्य प्रदेश का खारगोन जिला जो है वो 5वें स्थान पे है। 1 से 10 लाख तक की आबादी के मामले में जो रैंक हुई है उसमें, ठीक है। तो बाकी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण
रैंक में जो है कुछ खास नहीं है, जो जो खास था उसको मैंने डिस्कस कर दिया है, यहीं से सवाल अगर पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। और अगली न्यूज अंतर्राष्ट्रीय जगत से संबंधित है। 30 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरीशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान से किया गया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है मोदी जी ने 5 परियोजनाओं को ध्यान में रख करके भारतीय अनुदान की घोषणा की थी, तो उसी अनुदान के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के नए भवन का निर्माण किया गया है। यह मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है। तो देखिए, जिस प्रकार से भारत का उच्चतम न्यायालय एट प्रेजेंट नई दिल्ली में है, उसी प्रकार से वहाँ की राजधानी पोर्ट लुइस में जो है वहाँ का उच्चतम न्यायालय होगा। भारत सरकार द्वारा मॉरीशस को 353 मिलियन यूएस डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत बनने वाली ये पहली परियोजना है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, मॉरीशस जो है हिंद महासागर में, जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं अपना देश है, इंडिया है, तो यहाँ पर जो है वो हिंद महासागर जो है यहीं पर जो है मॉरीशस है हिंद महासागर में, और जिसके पश्चिम में जो है वो मेडागास्कर आइलैंड बसा हुआ है, मेडागास्कर द्वीप बसा हुआ है। तो इतना ध्यान रखना है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि इससे पूर्व नरेंद्र मोदी ने, मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2019 में मॉरीशस में मेट्रो परियोजना की फेज वन और नई ENT अस्पताल परियोजना का शुभारंभ किया है। इसे भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत और मॉरीशस के जो संबंध हैं वो अपने आप में बहुत ही मजबूत हैं। भारत समय समय पर विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से मॉरीशस की सहायता करता रहता है। और नेक्स्ट है कि 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, जो कि छठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई, यानी कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक 2020 जो कि 30 जुलाई 2020 को संपन्न हुई, वो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई, तो इसकी अध्यक्षता किया था रसिया ने, रूस ने, और वहीं पर भारत जो है इस बैठक की अध्यक्षता वर्ष 2021 में करेगा। तो आपको पता होगा कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही हो जा रही हैं, तो ये बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही संपन्न हुई है। यहाँ पर एक बात पॉइंट करने नोटिस करने वाली ये है पॉइंट कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में भाग लिया था। तो मान लीजिए पूछा जा सकता है ना कि इसमें जो है किसने जो है बैठक में प्रतिभाग किया था, तो पहली बात तो नाम से ही समझ जाइएगा कि पर्यावरण मंत्रियों की ये बैठक है, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मोदी जी का मान लीजिए वहाँ पर टिक है तो समझते हैं कि ये इंटरनेशनल मीटिंग है, समिट है, तो इसलिए राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर जो है वो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री के तौर पर जो है वो प्रकाश जावड़ेकर ने प्रतिभाग किया है, ना कि अपेक्स बॉडी के रूप में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। और यहाँ पर कुछ और भी देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ तथ्य कि इस उपग्रह को चीन ने लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट के द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया है, और इसी रॉकेट की सहायता से एक और उपग्रह जिसका नाम था टियान 205, तो टियान 205 का भी प्रक्षेपण जो है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से हुआ था। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्लोबुलर क्लस्टर जिसका मतलब होता है तारा प्रणाली, ग्लोबुलर क्लस्टर में हीलियम संवर्धित तारों की खोज की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओमेगा सेंटोरी। दरअसल ग्लोबुलर क्लस्टर क्या है, एक तारों का समूह है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लोबुलर क्लस्टर तारों का एक ऐसा सघन समूह है जो अंतरिक्ष में एक ही गैसीय बादल से निर्मित हुआ है। आमतौर पर जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के वायुमंडल में देखते होंगे कि बहुत से गैसें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो तारा प्रणाली है, यहाँ के जो गैसीय बादल निर्मित हुए हैं वो एक ही गैस से बना हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता है हीलियम। हीलियम से जो है इसके बादलों का निर्माण हुआ है, नाम है ओमेगा सेंटोरी, नाम ध्यान रखना है। अब बात अगर हीलियम की हो रही है तो हीलियम की एक खासियत और होती है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीलियम की प्रचुरता वाले तारों की सहायता से किसी तारा प्रणाली, जिसको एस्ट्रोनॉट्स की भाषा में या जो है खगोल शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, ग्लोबुलर क्लस्टर बोलते हैं उसको,
तो तारा प्रणाली की आयु निर्धारित की जा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगली न्यूज खेल जगत से है कि 22 अगस्त 2020 को संपन्न हुई ATP चैलेंजर टूर 2020 यानी कि 2020 की टेनिस प्रतियोगिता प्राग चैलेंजर 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब स्टेन वावरिंका ने जीता है जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, और वहीं पर उप विजेता रहे हैं असलम कारत्सेव जो कि रूस से हैं। किस देश में ICC T20 विश्व कप पुरुष वर्ग 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो ICC T20 विश्व कप जो कि पुरुष वर्ग का होगा वो किया जाएगा भारत में। और इससे जुड़ा हुआ और सारे हम महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पुरुष वर्ग का है वो ICC T20 2021 का तो भारत में होगा, लेकिन ICC T20 विश्व कप ओवरऑल जो है वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा जो है 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, हालांकि जिसको COVID-19 के कारण टाल दिया गया था। वहीं वर्ष 2023 में वनडे का विश्व कप कहाँ पर होगा? तो ये भी भारत में होगा। 2021 में न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले महिला वनडे विश्व कप को फरवरी मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो चार कंटेंट यहाँ से महत्वपूर्ण बन रहे हैं जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। और अगला है कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले में पंडित जसराज का जन्म हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उनका संबंध किस घराने से था ये पूछा जाता है। तो उनका संबंध जो है वो मेवाती घराने से था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा उन्हें रसराज की उपाधि प्रदान की गई थी। 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद में दो और पुरस्कार हैं जिनका नाम है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और लता मंगेशकर पुरस्कार भी पंडित जसराज को प्राप्त हुआ है, हो चुका था। 82 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंटार्कटिका पर अपनी प्रस्तुति की। इसके साथ ही में वो सातों महाद्वीपों में अपना कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय बन गए। तो देखिए इतनी सारी उपलब्धियाँ पंडित जसराज के नाम पर हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो है वो गायन की एक बहुत बड़े जो है वो पर्सनैलिटी थे, इसलिए इनका डिस्कशन यहाँ पर ज़रूरी था। और अगली न्यूज है कि दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित बॉन्ड एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? तो ब्लॉकचेन आधारित बॉन्ड एक्सचेंज लॉन्च किया है राहुल बनर्जी ने, और इसका नाम है फिनटेक बॉन्ड एवैल्यू। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगस्त 2020 में सिंगापुर स्थित फर्म, ये नाम भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सिंगापुर में है, ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित बॉन्ड एक्सचेंज लॉन्च किया है। और नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 2020 को भारतीय मूल की सीनेटर जिनका नाम कमला हैरिस है, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो कि बाइडेन द्वारा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित हुई हैं, वह अमेरिका के किस प्रांत से सीनेटर हैं? तो सीनेटर का मतलब जैसे इंडिया में सांसद होते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर क्या होते हैं? सीनेटर होते हैं। तो कुल मिलाकर के सवाल की ये कहने का मतलब है कि कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, उन्हें अमेरिका में होने वाले भावी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। इसकी घोषणा बाइडेन के द्वारा की गई है। किस पार्टी से वो उम्मीदवार हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रांत से वो सीनेटर हैं, तो वो जो है कैलिफोर्निया प्रांत से, कैलिफोर्निया राज्य से जो है वो सीनेटर चुनी गई हैं। और यहाँ पर एक बात ये देखिएगा, लिखा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई अश्वेत महिला देश की किसी बड़ी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। तो ये पहली बार होगा जब वो अपने पद पर मान लीजिए चुन ली जाती हैं, तो ये अश्वेत महिला के बतौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी जाने वाली वो पहली महिला होंगी, साथ ही में वह पहली भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी होंगी। अगला है कि 9 अगस्त 2020 को किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे, और ये जो है साल 2005 से 2015 तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो अब जो है वो बतौर प्रधानमंत्री काम करेंगे श्रीलंका के। एक बात महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उन्हें शपथ दिलाई, तो यहाँ से ये बात समझना जरूरी है कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? वहाँ का राष्ट्रपति दिलवाता है। और साथ ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो होंगे महिंद्रा राजपक्षे, और राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे।
और अगला है कि 6 अगस्त 2020 को कौन पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज। नाम अजीब सा है इसलिए ध्यान रखिएगा, वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और पेरू जो है एक दक्षिण अमेरिकी देश है, जैसे मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ग्लोब के हिसाब से आप मैप पर देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पेरू है वो दक्षिण अमेरिका में लगभग यहाँ पे पड़ जाता है, तो दक्षिण अमेरिकी देश है। अब यहाँ पर इसकी सीमाओं को जान लेते हैं, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप देखेंगे कि पेरू के उत्तर में जो है वो इक्वेडोर और क्या कहते हैं कोलंबिया है, और वहीं पर पूर्व में फिर जब आप आएंगे इधर वाले हिस्से पर आएंगे तो यहाँ पर ब्राज़ील और बोलीविया है, और नीचे जब आएंगे जब दक्षिण उसके दक्षिण में आएंगे तो चिली है, चिली के साथ में सीधा सीमा साझा करता है। और उसके बाद में जब पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर का विस्तार है। तो यानी कि पेरू जो है वो किन किन देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो ये सीमा साझा करता है कोलंबिया के साथ में, के फार कोलंबिया, उसके बाद में जो है इक्वेडोर, जो है आई फार इक्वेडोर, और फिर जो है ब्राज़ील है, फिर जो है बोलीविया है, और फिर जो है वो चिली है, सी फार चिली है, और दक्षिण प्रशांत महासागर जिसके पश्चिम में बसा हुआ है।